नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस की वजह से देश के कई राज्यों में लॉकडाउन कर्फ्यू लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों में कई जरूरी कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के बेतौल से एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर कर्फ्यू के कारण एक प्रेमी जोड़े की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर प्रेमिका ने 100 नंबर पर डायल किया और पुलिस को अपनी परेशानी से अवगत कराया। फिर क्या था, पुलिस ने प्रेमी जोड़े को थाने बुलाया और परिजनों की सहमति के साथ मंदिर में शादी करा दी। यह मामला बैतूल के भैंसदेही का है, जहां पर तुरंत शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका ने इतना हंगामा मचा दिया कि पुलिस को मंदिर में उसकी शादी करनी पड़ी। कोरोना कर्फ्यू से तंग यह जोड़ा लंबे समय से अपनी शादी की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पा रही थी। प्रेमिका ने शादी की ऐसी जिद की कि उसने 100 नंबर पर फोन कर पुलिस बुला ली और पुलिस को मंदिर में उनकी शादी करानी पड़ी। दोनों के परिजन चाहते थे कि कोरोना कर्फ्यू खत्म होने के बाद भी उनकी शादी धूमधाम से करेंगे, लेकिन इश्क की आग में बेचैन जोड़े ने किसी बात को नहीं मानी और जबरदस्ती पुलिस की मदद से अपनी शादी करवा ली। पुलिस ने इस दौरान दोनों को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने किसी की बात नहीं मानी। इस मामले में महिला डेस्क प्रभारी सुमन मिश्रा का कहना है कि धाबा ग्राम के दो प्रेमी जो अपनी मर्जी से विवाह करना चाहते थे, दोनों ने डायल 100 नंबर पर इसकी सूचना दी। दोनों के माता पिता को थाने में बुलाकर चर्चा की गई। माता पिता की सहमति के बाद ही दोनों का विवाह पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया, ताकि कोई बड़ी घटना ना घटे। दोनों के परिजन विवाह धूमधाम से कराना चाहते थे, लेकिन लड़की की जिद थी कि वो शादी जल्दी करना चाहती थी। दोनों के बीच में पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है, इसलिए दोनों परिवार की सहमति के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा रीति रिवाज से उनका विवाह कराया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।